आलोक के भी चैन नहीं खे मिलत। हम अबे आवत नहीं। जानकी जी, बेटी जॉन मानसिक पीड़ा से गुजर रहल बाड़ी न, हमरा ओकर बहुत चिंता हो रहल बा। जितना वो दिन रात अपन माई के बारे में सोचत रहा था, नहीं तड़पत रहा था, नहीं हमरा डर लगा था कहीं बीमार न पड़ जाए, कहीं ओकरा कोनो मानसिक आघात न पहुंच जाए। रवा का बोले था, नहीं हमरा कुछ समझ में नहीं क्या। रवा साफ साफ बोली ना, वही कहाँ कह दिली हमरा के माफ करी, लेकिन हम राहुल की बात ना मान सके। जी जी, रउआ बतौले रहली हैं, लेकिन अब ई सब बात पे इतना जल्दी यकीन नहीं होला नू। अब इतना कम उम्र में के हुई दुनिया से चल जाए, अब केहू के मौत हो गईला से घर में होकर कमी कितना बुझाला। रुवा लो कुछ बोले कि छातने का तो बोली ना ना कोनो दिक्कत नहीं। हाँ ना 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 ही चाची जी, कोनो बात नहीं की। रुआ लोग के देख के लागा था कि जैसे रुआ लोग के मन में कुछ बात बाटे, तो रुआ लोग पूछ सके तो नहीं। बोली ना भौजी, चुप कहाँ बाड़ू।
अब बोला ना जोन देखा कर लूँगा। हाँ पूछी ना रुवा लोग पूछी। पता नहीं भौजी के मुंह पे इतनी ताला काहे लग गई, ताला काहे लग गई, कुछ बोलत काहे नहीं थी। कहा हो गए सुनी बेटा? अरे इतना बढ़िया तो तैयारी भइल रहले, तो काहे ई शादी से मना करत तरू? लेकिन वाला लड़का वाला के साथ पूरा निकल करल हां। अच्छा तो बहुत गलत बात बा, सर तो पूरा करे के चाहिए। बाकी सुनी बेटा, हमरा के तो मीठियों के तैयारी बहुत निमन लागत आ रहा। बाकी ऐसा कौन शर्त रहे जे लड़की वाला पूरा ना कैलस? ना मामा, हमने के माने अपने समझे लोग के अभी ले कार्ड ना दे ली, जबकि साथ ये रहल कि मिट्टी में अपने समझलो के काट दी। क्या बात बा, इतना रात हो गई बा, रघुआ अब तक जागा था नहीं? सब ठीक ठाक बानू? हाँ सब ठीक बा, ऐसा कोनो चिंता कोनो बात नहीं खे, बस ऐसे नींद ना आवत रहे तो फोन कर लेनी। अच्छा सही बात बा, रघुआ की नींद नहीं खी आवत। पर मुश्किल ही बात जानकी जी की इस समस्या के समाधान हम अभी नहीं खी कर सकत, एकर समाधान था 2 तारीख के बाद ही हो सके। और 2 तारीख में अभी समय बा। हेलो जानकी जी, अब
रुआ के हमार बात बुरा तो ना लागल? मजाक करत रानी हम। अगर हमार बात के बुरा लागल होई तब आई एम सो सॉरी। साथी बुआ के बात के खाते पे नहीं, हमने के कोनो बात के बुरा ना लागल। हमने के तनी डर कर रही जा, पर रुआ चिंता मत करी, हमा दादी दोनों जना ठीक बनी जा। ना हमरा सब पता लगल बा, बुआ जी भी कहीं नहीं आई और उनकर बात से रवा सब लोग के कितना ठेस पहुंचल हुए ये हम समझ सकता नहीं। ना ना बस थोड़ी देर खातिर हमने के डर कर नहीं जा कि राहुल माई के सच्चाई पता चली तो उनकरा के कितना दुख हुए, साथ से कब तक क्यों भाग सकेला। अच्छा ठीक बा, अब बताएं रवा कौना बात खातिर फोन करने रहनी? अब वो मीठी के बारे में रवा बोलत रहनी ना? हाँ। तो रवा जौन कहानी है ना, जौन कहानी है ना, हमार सहमति होने बाद, सहमति होने बाद रवा जौन फैसला ले, हम राहुल साथ बने, हम राहुल साथ बने। एक मिनट, एक मिनट, दूसर कार्ड दे इंदु। ये दूसर कार्ड बा हमार समधी जी खातिर। देवी देवता और छठी मैया के बाद सबसे पहला न्योता अगर केहू के जाए तो ओ बा हमार समधी जी। अरे भौजी, ये छोट मोट काम खातिर आलोक के काहे परेशान करत बाड़ू? हम और इंदु है ना, हमने वीआईपी कार्ड मेहमान जी के साथ ही जाके। ना बुआ, ये ठीक ना हुई। रघुआ लोग तो वहां पर बिल्कुल न जाए, कैसे कि हम नहीं चाहता, नहीं फिर से वहां पर कोई बवाल मचे, फिर वहां पर कोई बवाल मचे। माई प्लीज रघुआ खुद ही चल जाए, हम ड्राइवर के गाड़ी के साथ भेज देता है। ये ठीक रहे, चलता मैं। हमने का काम हो गई, सोनी के एकदम पट्टी पढ़ा देनी है कि जब तक मिठी शादी के कार्ड में अपन माई बाबूजी के नाम ना छपई है तब तक सोनी ब्याह खातिर तैयार मत हो गया। अब आई ना असली मजा, आई ना असली मजा, जब मीठी बाबूजी से करीन अपना गुड़िया के ब्याह के जिद। अब तो मुरली के बाबूजी के मिठिया के खुशी खातिर मिठिया के माई के माई खोज के लवही के पड़ी। मिठिया के माई माने हमार दुल्हन। दीदी अब इंतजार नहीं की होखत। अच्छा अरे एक सेकंड रुक। हाँ जानकी जी। मीठी कैसे ना आई? हाँ, वो तो बहुत खुश बाड़ी। अच्छा वो काम करता नहीं, हम फोन के स्पीकर पर देता नहीं, रवा खुदे बात कर ली। मिट्टी ई तहार गुड़िया के नानी के फोन है। हेलो। हेलो हमार गुड़िया की नानी जी, थैंक यू थैंक यू, हमार माई बनने खातिर भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हमार गुड़िया के शादी जरूर होगी।
तहरों के थैंक यू हमरा के नानी बनावे खाती अब तक हम नानी बन गई नहीं हाँ और फोन रखा मत रहुआ काहे से कि राव नाटिन के बिया के पहला नेता छठी माई के जिम्मे जाता नहीं अब जाओ बिया के बिनोता काहे से कि सब कुछ छठी माई के पास ही हुआ ये देखा सिम्बा अरे वाह सुंदर बा ना तो बहुत सुंदर बा ये देखा ये इंदु के पसंद बा अरे वाह हमार फेवरेट ये तू पसंद के लिए बाड़ू हाँ तो इक डिजाइन तो बहुत बढ़िया बा आलोक कहाँ भाई कहाँ हो गए वाजी कह रहे पता नहीं गेहूं तरह है हितमानी कहाँ भाई दीदी हुआ अरे चोट लग गई ए कह रहे चला चला देखा देखा आलोक लॉकेट लॉकेट की सीधा पकड़ा स्माइल करा तनी ऐसे घूम जा बद्री काका तनी मिट्टी के लेके गोद में बैठ जाए ना ठीक बा आ जा मिट्टी बेटा बेटा शाबाश बेटा लॉकेट के सीधा पकड़ा हाँ बस खिंचा गेल मिट्टी की तस्वीर लेकिन ई तस्वीर से का हुई ई तस्वीर से शुरू हुई मिट्टी के माए बाबूजी के खोजे के अभियान ये तस्वीर के आधार पर हम उनका के खोजा अच्छा तो चल जाए उनका के ढूंढे अबे अरे बाबा तनिक रुकता जा पहले अपन गुड़िया के शादी तक कर ला कितना दिन से तारा इस दिन के इंतजार रहे और अब तो तारा गुड़िया के शादी के कार्ड भी बा तार मम्मी पापा के नाम के साथ तो आयशन बोली ना रहुआ कि पहले रहुआ के आपन और जानकी आंटी का बिया करवाए के बा हमरा के सब बुझेता बहुत स्मार्ट बाड़ू तू अच्छा मिट्टी बेटा वो काम कर अपनी लॉकेट खोल के ना बाबूजी के दे दा ये संभाल के रख दिया एकरा ऐसे पहन के मत रहल कर लेकिन ये तो हमार छठी माई है और ये तो हमेशा हमारे साथ रही नू तो ऐसा काहे कहता नहीं रहूंगा और अगर एक निकाल दे तो वो हमरा के कैसे पहचानी काहे से कि यह एगो आखिरी निशानी बा उनका खोजे के कहीं गुम हो गए तो उनका कैसे खोजे हम मिठी बेटा तार पूरी संकल्प सही कहता नहीं एक निकाल के हमके दे दा हम एक अस्थिर रख दे कहीं भुला जाए तब हाँ रवा लॉकेट संभाल के रख दे हमके जब भी जरूरत पड़ी हम रवा से ले लें हाँ। अच्छा फिलहाल तो हम दौलतपुर जाता नहीं एको स्पेशल ड्यूटी पर बानी दौलतपुर में हाँ विधायक जी के घर पर वहाँ सुंदरकांड के पाठ हो रहा बा ऐसे वहाँ और भी नेता विधायक सब आयन उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी बा अच्छा 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 बेटा चलो तानी बाय रवा एकरा भी लेके आई ना एकरी मन लग जाए
अच्छा बेटा हम जाता नहीं। ठीक है प्रणाम प्रणाम। छोड़ दे जाए दी आगे जाए दी। अरे दोस्त पापी नीच छोड़ दी तहरा के तोहरा ए धरती पर रह के कौनो अधिकार नहीं के तू धरती पे बोझ बा। देखो दूध मुहा बच्ची के ओकर माई से अलग कैले बाड़ा तोहरा ते नरक में भी जगह ना मिले। माफ कर दी बड़ा के। अरे दोस्त पापी माफी ना तोहरा तो खोलावल तेल मा तलल जाई तू तिल तिल करके मरबा तड़प तड़प के मरबा चीख चीख के मरबा। दया करी हमरा के माफ कर दी माफ कर दी। दया करके माफ कर दी दोस्त दुराचारी याद करा पापी याद करा। आज से ठीक 5 साल पहले एगो मासूम बच्चे के साथ तू का कहला ठीक से अपन आंख भी ना खोल पावली वो बिचारी के जान ले लेला तब दया आयल रहे तोरा पर। जाय दी जाय दी हमरा के खोल पर दे जाय दी खोल पर दे माफ करता बच्ची अब रखे माफ करता अब रखे माफ करता बच्ची माफ करता ना ना ठीक बा। तोहरा तनको ना बुझाला समझा के समय माई के तनी समझा देखा दी और ना तो कम से कम आकर के हाथ जोड़ ली। दादी दादी हम तो हार छठी माई के आगे बहुत हाथ जोड़ ले बानी अतारा के पता बा क्यों हमरा के का देले बा सना सना ई सब हमरा से ना होई
छठी मैया माफ करिए हमार जानकी के। कौन सा दादी है हमरा की? जानकी तो हर जिंदगी में खुशी ला रहल बड़ी माई, तो हर ब्याह होके जाता आलोक बाबू के साथ है, तो हर बाकी सपना भी पूरा कर दिए माई। बेटा माई तोरा के जिए के मौका दे रहल बड़ी, तो हर घर संसार बसा रहल बड़ी। एक बार बिया हो जाए तो लड़का लड़की भी दे दी है। अच्छा अच्छा ये बात के गारंटी ली है? अरे तू ऐसा मत आई बोला करू, इतना भरोसा बाना थारा के छठी माई पर, तो पूछे इनकरा से का ही हमारी शादी शुदा जिंदगी में कोनो अड़चन नहीं डली? पूछा बेटा तू ऐसा काहे करत रहू? अरे एक समय रहेगी तू माई के भक्त रहू, इतना नफरत काहे करत रहू? ऐसा मत कर। हाँ ये बात सच बा कि एक समय में हम इनका बहुत बड़ा भक्त रहे, अटूट श्रद्धा रहे हमरा के इनका पे विश्वास रहे, इतना भरोसा रहे कि ये तहार छठी मैया हमरे साथे कबू कुछ गलत नहीं करी। यही से बाबूजी के खिलाफ जाकर हम अपन सूरज जी से शादी कहेंगे। इनका आशीर्वाद से हम एगो बच्चे को जन्मो दिले रानी। लेकिन ई का कहली, हमरा से हमार सब कुछ छीन लेली। ताश के पंता जैसे सब कुछ बिखेर देनी, पर रहुआ कहता नहीं कि इनकरा पे भरोसा रखी। नहीं नहीं हम ऐसे ना कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। जान नहीं नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे नाम लंकनी एक निश्चय सो कह चलसी मोहि निंदन। हनुमान जी श्री राम का नाम सुमित करते करते धीरे धीरे लंका में प्रवेश करते हैं। बोलो सेवर रामचंद्र की जय। याद रखियो आलोक के शादी भइला से पहले अगर काम पूरा ना भइल ना तो तू और तहार परिवार कौन अंजाम भुगती ये सोच ना सकेली।
कहाँ बाड़ा तू? हाँ, हम सुंदरकांड पंडाल के बाहर भोज कलवानी। ठीक, हाँ माई, माई वो कंगनवा डिब्बे में रहल ना? हाँ हाँ, डिब्बे में ही रहा। काहे का भाई? अरे पर डिब्बे में ना हो का? हाँ पगला गई बाड़ू का? अरे माई ना, हम देख ले ली, पता नहीं कहाँ गई। ओ कहा ना कि हम कंगनवा के पॉलिश कराया रही तो अजा रुक के थोड़ा सुंदरकांड सुने लगली, तो बस पता नहीं का अचानक से दिमाग में आयल, तो जब कंगनवा चेक कैली तो डिब्बा में कंगन ही नहीं खे। की कैसे हो गई? एक काम करा, तू सबसे पहले आलोक के फोन करा और उकरा विस्तार से सब कुछ बतावा। ठीक बा। मिश्रा जी क्या खबर है, सब ठीक ठाक? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं साहब, एकदम बढ़िया है सब कुछ, कहीं से कोई गड़बड़ी खबर नहीं है। गुड, अलर्ट रहिए। आइंदु बोलो। भैया रघुआ कहाँ बानी? हम तो एजे फंक्शन बानी। काहे का भेल? अरे वो का हो गए ना कि कंगनवा पता नहीं कहाँ चल गई। का? अच्छा ठीक बा, घबराए की जरूरत नहीं के। एगो काम करा, तू जहां पर बाड़ू वही जा रहा, हम तुरंत आवता नहीं। क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? गड़बड़ तो हो गई है मिश्रा जी, हमारी बहन के पास से किसी ने सोने के कंगन चुरा लिए। आजा आजा बेटा। अरे भाई कुल्फी वाले, तनी कुल्फी दे लइकन के। आइला, आए सोनी बेटा तू ला, ये ला, ले ले बेटा। अरे का हो गई? बाबूजी मिट्टी अभी कुछ ना खाई है, कहे से कि मिट्टी के गुड़िया के ब्याह के बाद विदाई है ना, ऐसे की उदास है का मिट्टी। मिट्टी बेटा का भाई है, बोलो ना बाबूजी। हाँ, पुलिस अंकल के होखी वाले दुल्हन के कंगन चोरी हो गए लू, ये से हमार मन उदास बा। अरे मिट्टी बिटिया तू का कुल सोचत रहे लू, तो मालूम नहीं के था पुलिस अंकल कितना बहादुर बड़न। हमरा के पुलिस से बहुत डर लागेला, हम
ये जस्ट सेटलमेंट कर लेवल जाए, मामला की रफा दफा कर लेवल जाए। ठीक है ठीक है, इसको जो चोट लगा उसका उसका बलम पट्टी का 5,000 लगेगा, हड्डी टूटा उसको जोड़वाने का 15,000 लगेगा, और ऑपरेशन का खर्चा 25,000 लगेगा, कुल मिला के 45,000 लगेगा। क्या कहता रहा, दिमाग खराब हो गई बका धार, इतना पैसा दिख ले पा रहा कभी? अच्छा अब तो 2,00,000 लगेगा, हॉस्पिटल और डॉक्टर का मिला के 2,45,000 लगेगा। 2,00,000 का अब तरह की हम दूध कौड़ी भी ना दे। ए जी, यहाँ मोल भाव काहे कर रहे हो, वहाँ दरोगा साहब खड़े ना, अब यही करेंगे इस मामले का सारा सुलताव। हाँ चलो चलो चलो। अरे नाना, हम कहत आनी नू कि एजा मामला सटल कर लेवल जाए, हम बहुत गरीब बाने, अब इतना पैसा कहाँ से ले आई? अच्छा ये कंगन कैसा, हमको यही दे दो। हम इससे काम चला लेंगे, नहीं तो चलो फिर दरोगा के पास। निकालो। चलो तो पुलिस के पास चले। हाँ चलो चलो। दो दो, दूसरा भी, दूसरा भी। कुछ नहीं इनके पास, जाने दो इनको। पता नहीं इंदु, आज जब हम थाना से निकले लगनी और मोबाइल की जेब में रखने लगनी, बुझाइल की जेब में कुछ होगा, चेक के नहीं तो दोनों कंगन रहे। कुछ पता न चला। क्या होता भगवान, हमरा कुछ नहीं के समझ में आवन। अरे अबका भाई, भैया पर हमका के ही समझ में नहीं आवा था कि कंगन घर से कहां चल गई, घर से गायब भइल और ये अचानक से तोहरा पास कैसे आ गई। इंदु ये सब बात के छोड़न, अभी सबसे बड़ बात ई बा कि कंगन भेटा गेल, आंख के सामने कंगन बानू, बस बाकी सब बात के छोड़ था। अरे दीदी, दीदी आप रउआ के का हो गए, कंगन तो भेटा गए लो, तब का हो गए? तहार कंगन मिल गई तो खुशी मनावा, हमार कंगन चल गई तो हम रोबे न करब, लेकिन तहार कंगन आलोक के पास कैसे आई, कहीं आलोक आरु बनरा मिलल तो नहीं थे? भैया आवे तानी मुकरा की कब है पता ना, हम वहां बताने।
मिठी बेटा, तोरा दुल्हन के बियाह बा, तू यहाँ बैठ के का सोचत रहू? बाबूजी, आज हम बहुत चिंतित बनी। पुलिस अंकल के होखे वाले दुल्हन के कंगन मिले के ना? अरे मिठी बेटा, उहे बतावे खातिर तो हम आई नहीं है। तारा पुलिस अंकल के होखे वाले दुल्हन के कंगन मिल गई बा। अरे वाह, मिल गई? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद छठी माई। अब हम निश्चिंत होके अपन गुड़िया के बिया करब। ना तो हमरा के कोनो काम में मन ना लगत रहे। अच्छा ये बताओ मिठी बेटा, ये तोरे लगे कौन काम बा? बाऊ जी, रहुआ भी एकदम बुद्धू मानी। अबले तो कामे कहाँ भइल बा? गुड़िया के विदाई के साड़ियों ने खियाई, फूलों ने खियाई और मिठाइयों ने खियाई। काम बा इतना और करे वाला सिर्फ एक। बाऊ जी, हमरा के बुझाता हमार गुड़िया के ब्याह तक ले हम पागल हो जाए। अरे तो मिठी बेटा, कुछ काम हमरो के दे दा, तेरा गुड़िया के ब्याह में हम कुछ मदद कर दे। और वैसे भी लड़के के ब्याह में मदद कई पुण्य के काम होकेला। हैं? तो चली बाबू जी, फूल और मिठाई लेवे। हाँ हाँ। चली ना। अरे एक एक मिनट, एक मिनट, पैसा तो ले लेवे दा। बिना पैसा के खरीदारी कैसे हुई? एक मिनट रुका, चाबी लेके आओ। तन अरे बाप रे बाप, अगर इनका चाबी मिल गई, आई अलमारी खोल के देख लेलन, अगर ओकरा में लॉकेट ना मिलन लू तो आज तक घर में बवाल धइल बा। चाबी कहाँ गई? तीनों मामा के नाम लिखा गई माई, और मौसा जी के भी लिखा गई, और केकर छूटल तो ना नो। आलोक कहत रहलन कि ओकरा ज्यादा भीड़ भाड़ ना चाहिए ब्याह में, केकरा बुलाई और केकरा छोड़ी कुछ भी समझ में नहीं खियावत हमरा। माई, फूफा जी के का करे के बा? उनको नाम लिख दे। काम करे तू। दीदी, अशोक जी से आजकल बातचीत बाकर और नाना काहे? अरे कुछ ना, बस ऐसे ही पूछत रहनी हम। दीदी, हम सोचत रहनी कि एक बार हमने के उनकरा फोन कर लेवे के चाहिए। अब सोच के देखी नू, ई घर के एक लौता बेटा के ब्याह बा, और उनकरा ना बुलावल जाए तो समाज में ठीक लगी का? बेकार में आके तमाशा करिए, ई ठीक लगी का? भौजी, टीचर से जितना दूर रहल जाए ना उतने अच्छा। देह में नहीं हो लागी तब वो पूरा माहौल खराब करके रखी। दीदी, इतना गुस्सा ठीक नहीं खे, आखिर ई घर के दामाद पाड़े, समझे की कोशिश करी दीदी। अच्छा, अगर आपके ठीक नहीं खे लागत नू तो हमरा फोन नंबर दे दी,
हम फोन कर ले, तब तो कोनो दिक्कत नहीं खेनो। हमरा लगे नंबर नहीं खे। और भौजी कहीं गैल बीतल बात की याद करके अपन मन दुखा होता हो। बेटा की ब्याह धन करा और जैसे हमरे खातिर मर गल बाने, वैसे तू लोग खातिर ये दुनिया में नहीं खे। दीदी मिठिया के गुड़िया के बिया बा तो कितना मेहनत से खाती मिठाई बनावता नहीं। मार दे छनोटा से कि मुंह लाल हो जाई। तारा गुगलवा के चलते आज हम अपन हार जरावतनी। वो तो अच्छा भइल हो कि समय पे हम ओइजा पहुंच के आ उनकरा के अलमारी खोले से रोक देनी ना। तो अरे माई रो कितनो पारा करी, आज ना तो काल बाबूजी के पता चलिए जाए के बाद कि अलमारी से लॉकेट गायब बा। कली पहरा करी। अरे गायब ना दीदी, उड़ गई। उड़ के इतना दूर चल गई कि केहू के कितनो खोजला से ना मिली। अब फंसी तो के फंसी बोला। मिटिया फंसी कैसे कि अलमारी के चाबी ओकरे पास रही है। देखला दीदी तोर भाई के दिमाग। दिमाग ना बस दिमाग। जवन घड़ी लॉकेटवा गायब कर लो वही घड़ी काहे ना मिठियो को उड़ा दे लो। अरे कम से कम हमनी के तीनों गंगा तो नहा लेती। अरे माई अगर मिठिया एक घर में भी आ तो रौरा पेटों में काहे दर्द होता। आ हा हा आज बड़ी उम्र का प्यार मिठिया खाती। अरे प्यार ना अम्मा जी, अरे कुल मिला के एक गो तो नौकरानी रहे घर में। वो जो चले जाई तो घर के कुल काम के करी बोला। का दीदी वो तो आओ ना देखा, लेकिन माई से हमार सुख देखल कहाँ जाला। जब देखा हमरा पीछे पड़ा रहेली पड़ा रहेली पड़ा रहेली। आह पड़ा पीछे पड़ा रहेली। अरे तो ओकरा का जिंदगी भर अपना करे जब पे मूंग दरवाई। अरे माई दुरुर से के कहता कि उरा अपना करे जा बैठा के मूंग दरवाई के कहता। हम रखे बुकरा के घर में चाहे जैसे रखी। अच्छा बड़ा भाई बड़ू घर के मलकीनी। हम हाँ देखो तनी कि कैसे रखा तड़ू अकरा के तो कर रौरा निकालब। तो हम देखो तनी कि रौरा के घर से कैसे निकालब तनी। अरे तू दोनों खाली अपने बारे में सोच ला, हमरो बारे में तो केहू सोचो। का सोचे के बा बतावा, तू बता दे तेरा बारे में का सोचे के बा। अब मिठिया के कागी बाप के बानी बोला। अगर ही हमके जवाब नहीं दिए तो आज के बाद से हम इनके चौखट पर कब होना है। छठी माई के लॉकेट है बेटा। पहने से माई की कृपा होगी। पहन ले रानी,
राहुल छठी माई के लॉकेट हम पहने रहने पहले भी कैसन छत्र छाया दिली हमके हमार संसार हमसे छिन गई। ओकर जिम्मेवार तो ओकर जिम्मेवार तो ओकर जिम्मेवार तो हवन बने बेटा हवन बने हमरा कारण तो आज जिंदगी में ही तूफान खेल छो चेहरा हमेशा हंसी से दमकत रहे आज उस चेहरा के मुस्कान हंसी देखे खातिर हम तरस खेल पाती लेकिन फिर से सब ठीक हो सके और वो छठी माई के आशीर्वाद से ही संभव है बेटा ला भाई पहन ला संभर ये सब कहा हो रहा हलवा हम अब अरे मिठी बेटा तू अभी तक ले जागा तरु बाबू जी वो बस कुछ करता नहीं मिठी बेटा हमरा मालूम बा आगे तरह गुड़िया के बिया आबा जौन भी काम बतौन काल भी हो सकेला देर देर रात में ना जागे के चाहे बाऊ जी हम कुछ और बनावत रानी हो ये देखी ये बनावत रानी अरे वाह ये तो बहुत सुंदर बनवाले बड़ू लेकिन ये केकर फोटो है बाऊ जी ये हमार माई है हमके हमार माई के बहुत याद आवेला बाऊ जी जब हमार माई मिल जाएगी तो ऐसे ही हमरा के गोद में बिठाएगी नो हाँ बेटा कहे ना बिठाई है हे छठी मैया ए बच्ची के दुख अब हमसे देखा लिखे जात एकर गुहार सुन ली एकर मनोकामना पूरा कर दी माई जब बियाह हुई विदाई हुई जब तोरा आँख से आंसू ना निकली तो सब लोग ये कही कि जनकिया एकदम बेसरम हो गई है नहीं यार छोटा था तो वो ओकरा आँख से आंसू लेके निकलत दादी रब हमरा के बहलावे की कोशिश मत करी हमरा के पता हमरा जीवन में कब होई जोड़ा ना आए हम सबको जार गई नी दादी ना बेटा अरे समय बहुत बलवान होकेला एक एक करके सब जखम भर देवेला खाली ई होके के चाहिए कि जवन साथी मिले वो ओकरा के संभाल लेवे और फिर हालोक तो इसलिए लेकर बनो छठी मैया हमार तोहरा से बिनती बाटे कि हमार जानकी के नया जीवन में सब सुख दिया ओकरा आंख में कभी आंसू मत आवे दिया